स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन बेनीगंज स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय, महानगर अध्यक्ष पवन यादव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने तथा अपने उद्योगों के माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले युवा उद्यमियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए युवा उद्यमियों ने अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है, जिसके तहत युवा उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जिसके माध्यम से 25 से 30 हम सब
12 जनवरी दुनिया के अंदर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मना रही है। आज हमारे विशेषकर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार के आयोजन किए हैं और उसी के क्रम में गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर का ये कार्यक्रम युवा दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब भारत का हर वर्ग खड़ा होगा तब भारत खड़ा होगा। और उसी मंत्र को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, उसमें हर उद्यमी जो युवा उद्यमी है यहाँ उद्योग लगा करके छोटे छोटे काम करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़े, आत्मनिर्भर बने, और जब सब आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा, भारत दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा होगा। उन्हीं उसी स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी भी काम कर रहे हैं और उसी उन्हीं की प्रेरणा से हम सब आज सभी जनपदों में इस प्रकार के आयोजन करके युवा उद्यमी हैं जो समाज में अच्छा काम किए हैं, समाज में उद्योग लगा कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। ये जो उद्यमी सम्मानित किए गए हैं तो ये लोग रोजगार में उपलब्ध कराए लोगों को? हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग प्रकार के काम करते हुए अपने को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए 10-20 परिवारों को भी रोजगार से जोड़ करके उनके परिवारों के भी इन लोगों ने चिंता की है। इसमें से कुछ समाजसेवी भी हैं जो अपना काम करते हुए, जैसे कोरोना की वैश्विक महामारी में लोगों को, ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना, ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराना, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये सब भी काम जब व्यक्ति अपने संपन्न होगा तो निश्चित रूप से समाज में भी कुछ काम करेगा। और यही हम सब की इच्छा है, प्रेरणा है कि प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सब लोग संपन्न होकर के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं ताकि समाज में स्वयं खड़े हो सकें। इस समय ये सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाए हैं, मुद्रा योजना है, इस तरह का आत्मनिर्भर योजना है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना भी यही है कि छोटे छोटे उद्यमी वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अलग अलग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अलग अलग लोन लेकर के, जैसे हमारे एक उद्यमी को यहाँ 19 राय को सम्मानित किया गया, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पोल्ट्री उद्योग लगाए हैं जिससे कई लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है, तो उसकी भी उन उद्यमियों को भी यहाँ सम्मानित करने का काम किया। जो इस तरह की जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, छोटी छोटी नौकरियों ने, क्या उनसे कुछ करना? निश्चित रूप से ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है, इससे हमारे युवाओं को एक सीख मिलेगी कि केवल व्यक्तिगत अपने लिए नहीं बल्कि हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वरोजगार को उत्पन्न करके कुछ परिवारों को भी जोड़ करके उनके परिवारों की भी चिंता करें, इससे निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।